हे गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड्स, जो आप लोग, अगर आप लोग एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या बीबीए फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो आप लोग के टॉपिक आती है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो वीडियो स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस। प्राइस से आप लोग क्या समझते हो? प्राइस क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है, तो कोई भी, जैसे कोई प्रोडक्ट आप लोग ले लो, तो ठीक है, अगर उसकी प्राइस अगर आप लोग कॉम्पिटिटर को देख के ना रखो, तो आपको क्या वो प्रोडक्ट कभी मार्केट में चल पाएगी? तो ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर अगर आप लोग कंपटीशन देखो मार्केट में, तो कोई भी अगर फ़ोन्स या ले लो, या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले लो, तो वो सब कभी भी आती है। तो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को देखती है कि उसका प्राइस क्या है। तो मैं जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसकी प्राइस मैं क्या रखूँ जो मार्केट में चल पाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं ये माइक की बात करूँ, जैसे ये माइक मैं लगाया हूँ, ठीक है, तो ये माइक भी है, तो ये माइक दूसरे माइक से कैसे प्राइस में कंपेयर मैं करूँ? ये कौन, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सब भी देखा जाता है प्राइस में। तो ये आप कम प्राइस में अगर बेटर प्रोडक्ट अगर लाते हो मार्केट में, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की, और वो चल भी पाएगा, ठीक है। तो ये होती है प्राइस, ठीक है। अगर मैं दूसरी टाइप्स की मैं बात करूँ, तो क्या है? फंक्शनैलिटी एंड कन्वीनियंस। फंक्शनैलिटी एंड कन्वीनियंस ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो उसकी फंक्शन कैसी है, वो आपको कन्वीनियंट लग रहा है कि नहीं। अगर मैं कोई भी, अगर स्मार्टफोन्स भी चलाऊँ, या फिर लैपटॉप ही चलाऊँ, या कोई भी मैं प्रोडक्ट ही ले लूँ, या फिर ये मार्केट का ही मैं बात करूँ, या ये अगर फंक्शन ही अच्छा से नहीं करेगी, ये नहीं चल पाएगी, या फिर ये मुझे, मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊँगा, ये इसका बिल्ड क्वालिटी सही नहीं रहेगा, तो ये क्या मैं सस्टेनेबिलिटी और फंक्शनैलिटी और कन्वीनियंस ये लगेगा, कन्वीनियंट ये लगेगा प्रोडक्ट? तो नहीं ना। ये तो कोई भी अगर प्रोडक्ट आप कोई बनाते हैं, कोई कंपनी बनाती है, तो क्या करती है? फंक्शन और कन्वीनियंस देखती है, हमेशा उसके नेक्स्ट वर्जन लाती है। जैसे ही कोई भी, अगर मैं रेडमी की बात करूँ, रेडमी कंपनी है, रियलमी, या फिर जो भी है, वन प्लस, अगर या एप्पल की मैं बात करूँ, तो एप्पल की हर प्रोडक्ट, या अगर रेडमी हर प्रोडक्ट, हर स्मार्टफोन्स नहीं चल पाती उसकी हमेशा। जैसे कि रेडमी कोई भी अगर वर्ज़न लाता है, 10 लाया, 11 लाया, फिर 12 लाया, तो उसमें से कोई एक चलेगी, किसी एक का फंक्शन बहुत अच्छा होगा, जो वो बेस्ट सेलर स्मार्टफोन्स होगी। या कोई मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, तो कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलर होती है हमेशा, उसका हर वर्ज़न उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है मार्केट में। तो ये इसका होता है फंक्शंस एंड कन्वीनियंस, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की मैं अगर बात करूँ, तो ये आप कितना कितना मतलब इजी टू यूज़ होगा। अगर मैं कोई भी अगर चीज़ को, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं ले लूँ, अगर वो मुझे इजी टू यूज़ ना ही रहे, तो मैं क्या उसको यूज़ करूँगा? ये मार्कर ही है, तो ये मैं मार्कर को एग्जांपल में लेके चलूँ, तो ये अगर लिखने में मुझे सही नहीं लगेगा, तो क्या ये मुझे, मैं इसे लेना पसंद करूँगा? नहीं ना। तो क्या होता है, इसलिए रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चौथा क्या है हमारा? रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन से आप लोग क्या समझते हैं? रिस्क रिडक्शन जैसे कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, फ्लिपकार्ट हो गए या अमेज़ॉन हो गया, अगर आप लोग देखो, अगर उसमें मैं कोई भी प्रोडक्ट, या आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, तो उसमें देखते हो कि वहाँ नीचे में रिटर्न पॉलिसी रहती है, या फिर एक होती है एक्सचेंज पॉलिसी रहती है, ठीक है, एक्सचेंज रहती है। अगर मैं रिटर्न या एक्सचेंज दोनों में से कोई ऑप्शन ना रहे, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूँगा? वहाँ पे तो रिस्क आ जाएगी ना। अगर मैं एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लूँ, फिर रिटर्न या एक्सचेंज ना ही हो पाए, तो मैं क्या उस प्रोडक्ट को मैं दोबारा उसे कभी यूज़ कर पाऊँगा? अगर कुछ ख़राब ही निकल जाए, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ना रहे, तो क्या मैं उसे दोबारा परचेज करूँगा? नहीं ना। तो यहाँ पर रिस्क रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोडक्ट को और मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं आप लोग, या कोई भी कंपनी लॉन्च करी, तो रिस्क रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी मतलब, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखी है, कस्टमर एक्सपीरियंस ट्राई टू मेक गुड प्रोडक्ट। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि कोई भी कस्टमर आपसे अगर प्रोडक्ट लेने आता है, तो जैसे कि मैं अगर किसी भी ब्रांड को ले लूँ, मैं अगर एप्पल की फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या रेडमी की फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा चाहूँगा कि मैं उसी प्रोडक्ट को लूँ, उसका नेक्स्ट वर्जन लूँ। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी कंपनी ख़राब बनाती है, तो दोबारा वो कस्टमर दोबारा लौट कर वापस नहीं आता है वो उस प्रोडक्ट को लेने, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी भी कंपनी की मैं बात कर लूँ, मैं यहाँ पे अगर मीशो कंपनी की मैं बात करूँ,
मीशो से अगर आप लोग वहाँ पे, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे बहुत सस्ता रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी काफ़ी वहाँ पे कम रहता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो क्या होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट लेने से ज़्यादा रिटर्न होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं रहता है। मैं खुद देखा हूँ मीशो में, वहाँ पे अगर आप लोग प्रोडक्ट परचेस करोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदने से ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न्स होती है प्रोडक्ट। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी या फिर क्वालिटी देख लो या परफॉर्मेंस देख लो, वहाँ अच्छी नहीं रहती। तो क्या कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेगा? नहीं ना खरीदेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एम्पैथी बहुत जरूरी, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट भी वही है, एक्सपीरियंस मैटर करना चाहिए। आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदोगे। अगर आप जैसे कि एप्पल फ़ोन को अगर पहली बार परचेस करोगे तो आप न्यू न्यू यूज़र हो, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो सब आप देखोगे। ठीक है, डिज़ाइन क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कोई भी स्मार्टफोन्स या कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाओ, ठीक है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी ले लो, तो उसकी अगर डिज़ाइन ही अच्छी नहीं रहेगी तो क्या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कस्टमर उसे लेना चाहेगा? नहीं लेगा। डिज़ाइन और कितना अच्छा हो सकता है, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा मार्केट में, कैसे उसको मैं उसको प्रोमोट करूँगा, तो वो डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है कि मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा टाइम टेकन ना रहे। ठीक है, टाइम टेकन ना, टाइम टेकन का मतलब ना ही टाइम, नॉट टाइम कंज्यूमिंग रहे, इफिशियंसी रहे उसमें काफ़ी। मतलब कि मैं कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोई लैग ना हो, लैग ना मिले उसमें, हमेशा उसका प्रोसेसर अच्छा हो, उसके रैम और रोम ये सब बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, तो मैं उसका काफ़ी इफ़िशियंट प्रोडक्ट लगे मेरा, हमेशा वो प्रोडक्ट हमेशा मुझे काम दे, मैं उसको खरीदा हूँ ताकि वो मुझे इफ़िशियंट, वो मेरे काम को पूरा कर सके। तो उसको क्या बोलते हैं? इफ़िशियंसी कर सकते हैं, उसको ना इफ़िशियंट रहना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस ये होती है कि जैसे कि कोई भी मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या उसकी परफॉर्मेंस भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे जैसे कि मैं स्मार्टफोन्स को ही मैं एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं परफॉर्मेंस या कोई भी प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस सबसे बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अगर कोई भी स्मार्टफोन्स अगर लेते हो उसका परफॉर्मेंस ही अच्छा ना रहे, वो हमेशा लैग करते रहे, उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा ना हो, या फिर उसको अगर कोई बटन सही से काम नहीं कर रहे तो क्या वो प्रोडक्ट कभी चल पाएगी? तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, स्मार्टफोन्स ले लो, लैपटॉप्स ले लो, ठीक है, जो भी है, तो परफॉर्मेंस ही बहुत बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि यहाँ पे आप लोग खुलकर बात कर सको। जैसे कि मैं अगर पास वाले मार्केट में गया, मैं अगर कुछ खरीदना चाहूँगा तो मैं वहाँ पे ओपन में रहूँगा कि यहाँ की मतलब क्या, मैं बात क्या मैं बता रहा हूँ उसे, जैसे कि आपकी प्राइस बहुत है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपकी प्राइस अगर कम रखो तो ये, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है अगर आप इसे ऐसे रखो या इसे अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करो तो ये काफ़ी अच्छे से आपका चल पाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कस्टमर और रिटेलर के बीच में। ठीक है, तो यही होती है ट्रांसपेरेंसी। रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वहाँ पर रिस्क नहीं, मतलब रिस्क नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं जैसे बताया रिस्क रिडक्शन के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपका रिटर्न ये सब रहे, एक्सचेंज पॉलिसी ये सब रहे, तो ये सब क्या होता है, एक तरह से रिस्क रिडक्शन की तरह काम होता है। ठीक है, टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स एंड सर्विसेज क्या है? तो कोई प्रोडक्ट अगर लेते हो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ही मैं एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो वहाँ पे सर्विसेज क्या वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने दिन में वो लोग 5 से 3 से 4 डेज मैक्सिमम अमेज़ोन का रहता है, मतलब फास्ट से फास्ट ले आप लोग उसके सर्विसेज देखते हो, तभी तो कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो आप लोग। अगर किसी की सर्विसेज अच्छा नहीं रही तो क्या आप लोग प्रोडक्ट परचेस करना चाहो? काफ़ी लेट पहुँचा रही है वो कंपनी ही नोन नहीं है, तो क्या आप लोग कभी किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट लेना चाहोगे? नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टर्म्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड कॉम्पेटिबिलिटी की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा लाइन लिखा हूँ, ट्राई टू यूज़ अदर प्रोडक्ट्स। अगर ठीक है, जैसे कि मैं एप्पल की मैं बात करूँ या फिर रेडमी रियलमी जो भी कंपनी है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ, या तो यहाँ पे एक टर्म होती है इको सिस्टम। ठीक है, इको सिस्टम की मैं बात करूँ, इको सिस्टम वो होती है जैसे कि आप लोग जैसे एप्पल का लैपटॉप यूज़ करो या एप्पल का आईफोन यूज़ करो, तो आप लोग चाहते हो कि मैं उसी की एयरपॉड्स लूँ। ठीक है, उसी की एयरपॉड्स लूँ, जो भी है उसकी मैक लूँ। ठीक है,
उसी के मैं चार्जर, मैं चार्जर तो लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद तो ये सब क्या होती है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का अगर कोई भी सामान लेते हो तो आप चाहते हो कि मैं उसी कंपनी की सारी और भी एक्सेसरीज लूँ ताकि मुझे ईजी टू यूज़ रहे। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटीग्रेशन एंड कॉम्पेटेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन क्या रहे, इन्फॉर्मेशन यही होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके उससे जिसमें भी पैक कर रहे हो तो वहाँ पे लिखे रहने चाहिए। जैसे कि आप कोई खाने का सामान परचेस करते हो तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, जो भी यहाँ पे ये सामान इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है। तो उसी तरह अगर फ़ोन लेते हो तो यहाँ पे ये इतना मेगा पिक्सल है, यहाँ इतना यहाँ प्रोसेसर इतना है, तो ये सब क्या होती है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल है जैसे कि ईजियर रिटर्न, सब्सक्रिप्शन और टर्म्स। कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में या अमेज़ॉन की कंपनी को मैं अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहता है, वो अपने कस्टमर को ऐसा बनाए हुए हैं कि वो ऐसा कभी कस्टमर ऐसा फील ही नहीं करते कि मेरा अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करूं तो वो कभी रिटर्न ना हो पाए या फिर एक्सचेंज ना हो पाए। वो उनके इन कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। कस्टमर उनके इन कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, अंडर कंट्रोल में रहते हैं ताकि वो ईजी रिटर्न कर पाए। उनका सब्सक्रिप्शन भी ई रहता है, तो आप जैसे कि अमेज़ॉन में देखते हो 499 या 399 या 299 का सब्सक्रिप्शन रहता है, तो वो काफ़ी इजीली ले सकते हैं ताकि उनके कंट्रोल में सारा कुछ रहता है। उनको कभी ऐसा नहीं एफरेट नहीं रहता है कि मैं कभी कुछ कुछ मेरे प्रोडक्ट साथ कुछ गलत हो जाए या फिर ना आए या कुछ हो जाए, ठीक है। ये सब होता है। वेराइटी ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि इसमें आप लोग क्या है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, सब्सक्रिप्शन है, पेमेंट। जैसे कोई भी एक कंपनी लॉन्च प्रोडक्ट करती है ऑनलाइन ही, आजकल मैं देख रहा हूँ तो ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके पीछे क्या होता है, सर्विसेज होता है, सब्सक्रिप्शन होती है और पेमेंट्स होती है। अगर आप लोग कोई भी पेमेंट ऑप्शन में कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या कोई भी ऐप में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे पेमेंट्स रहते हैं। यूपीआई के थ्रू होता है, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, तो वो सब क्या है, एक तरह से वाइड वेराइटी है। ये सब क्या है, वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा आपको है। सब्सक्रिप्शन भी आपको कई तरह के रेंज में मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब है। और क्या, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये हमारा 17वां पॉइंट। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कि आप लोग कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं, इजी एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो क्या आप उस प्रोडक्ट को लोगे, नहीं ना लोगे। तो जैसे कोई भी मैं स्मार्टफोन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो अगर ईजी टू यूज़ है, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं उसमें कैमरा यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं उसको ऐप्स ये सब अच्छी चल रही है, तो वो क्या है, एक्सेसिबल है। तो ये सब में क्या है, ये सब ईजी रहना चाहिए, ईजी टू यूज़ रहना चाहिए। तो यही सब थी हमारी पॉइंट्स, टोटल 17 पॉइंट्स थे यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। और अगर आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है, जो भी आपको समझने में अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग और भी टॉपिक्स चाहते हो, MBA या BBA कोई भी आप लोग सेमेस्टर्स में हो, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक जो भी कुछ होगा आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और तो यही था आज का वीडियो, तो चलो बाय।